अस्सलाम वालेकुम। आज हम बना रहे हैं रूह अफ़ज़े का शरबत। इसके लिए लिया है हमने, एक गिलास में ठंडा दूध लिया है, एक गिलास आधी प्याली हमने रूह अफ़ज़ा लिया है, आइस क्यूब्स लिए, ड्राई फ्रूट्स, शक्कर, आइसक्रीम और ये सब्ज़ा सीड। इसको हमने 3 घंटे पानी में भीगने के लिए रख दिया था। देखिए फूल कर इस तरह से हुआ है। ये मिक्सी का जार ले लिया हमने। जार में पहले दूध डाल देंगे, ठंडा ही दूध लेना है, ध्यान रहे। अब आइस क्यूब डाल देंगे थोड़े से। रूह अफ़ज़ा डालेंगे, चार चम्मच हमने डाल दिया है, और ज़रूरत पड़ेगी तो और डालेंगे। सब्ज़ा सीड, शक्कर डाल देंगे 2 चम्मच। रूह अफ़ज़ा मिठाई होता है। अब इसको हम घुमा लेते हैं मिक्सी में। ये देखिए हमने इसको घुमा लिया मिक्सी में। थोड़ा सा रूह अफ़ज़ा और डाल देंगे, पूरा ही डाल देते हैं, अच्छा कलर आएगा इससे। देखिए हमने इसको घुमा लिया मिक्सी में। अब हम इसको गिलास में सर्व कर लेते हैं। देखिए गिलास में हमने थोड़ा सा रूह अफ़ज़ा डाल दिया है, इसको गिलास में डाल देंगे। आइस क्यूब्स डाल देंगे, आइस क्यूब्स डाल दिए हमने, थोड़ा सा सब्ज़ा डालेंगे। आइसक्रीम, ये आइसक्रीम डाल दी हमने। अब ड्राई फ्रूट डालेंगे, ये लीजिए बनकर तैयार है रूह अफ़ज़े का शरबत। आप घर पे ज़रूर ट्राई कीजिए फ्रेंड, इसको इफ्तार में पीजिए, बनाकर सहरी में पीजिए, बहुत ही फ़ायदेमंद होता है, इसे भूख प्यास कुछ भी नहीं लगती। मेरी आज की शरबत वाली रेसिपी अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मुझे अच्छे अच्छे प्यारे प्यारे कमेंट ज़रूर भेजते रहिएगा। मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।